हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का अपन एनालिसिस करेंगे कल फ्राइडे के दिन के लिए ऐसा क्या रहेगा मार्केट करके। आप देखोगे आज का मार्केट एक राइजिंग वेज पैटर्न में चला है, ये देख सकते हो आप। आज का मार्केट 2 मई का, ये राइजिंग वेज 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये निफ्टी का, इसमें देख सकते हो आप ये राइजिंग वेज पैटर्न में चला है पूरा दिन मार्केट। और अच्छा खासा फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था एक, तो वहाँ से अच्छा खासा कहा जाए ट्रेड मिला था। यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना के मार्केट डाउन साइड आया था। आपको अगर देखना है ये इवनिंग स्टार पैटर्न, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि इवनिंग स्टार पैटर्न बना। ये देखो 3 कैंडल से मिलके यहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न बना और फिर कन्फर्मेशन मिला और अपने डाउन साइड का ट्रेड बनाया, अच्छा खासा ट्रेड मिला यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी एक्स आज एक्सपायरी भी थी साथ में। चलो अब अपन निफ्टी कल के लिए बात करेंगे, निफ्टी का साथ में मिड कैप का, बैंक निफ्टी का, इन सब का अपन एनालिसिस करेंगे। और डे टाइम फ्रेम की कैंडल देखें अगर निफ्टी की, तो देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनी है निफ्टी में। प्रॉफिट बुकिंग मतलब अपसाइड से आप देखोगे तो इसमें प्रॉफिट बुक क्लियर कट ऊपर से वो दिख रहा होगा, ये देख सकते हो कैंडल में ऊपर से एक विक दिख रही होगी, मतलब एक ऊपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिख रही है। ठीक है, ये कैंडल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो अपन इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके, ठीक है, और इसके साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम एक बार लगा के देख लेते हैं कि कैसा क्या। वीकली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये इस प्रकार की कैंडल दिख रही है। ठीक है, ये इस प्रकार की कैंडल दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम में, मतलब अगर नीचे आएगी थोड़ा भी और थोड़ा बहुत, मतलब अगर कल निफ्टी आज 650 में बंद हुई है और कल निफ्टी ये 550 करीब अगर आ जाती है, 6 पॉइंट भी डाउन आ जाएगी, तो ये एक फिर से एक बीरस कैंडल बन जाएगी, जो लास्ट वीक में, लास्ट वीक नहीं, ये वाली जो लास्ट टाइम में एक कैंडल उसी के पैरेलल में बनी है ना, ये कैंडल देख सकते हो कौन सी वाली कैंडल, ये इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल उसी प्रकार से फिर बन जाएगी। तो मतलब कल ये कैंडल, ये बायर्स सेलर्स ऑपरेटर्स मतलब कहा जाए, इसको वीकली टाइम फ्रेम में किस तरह कैंडल क्लोज करेंगे, ये साइकोलॉजी अपन को समझना था। ठीक है, तो कल मार्केट अपसाइड में रहेगा, ये चांसेस रहेंगे ऑपरेटर्स के, क्यों, क्योंकि इसको ये बीरस कैंडल नहीं बनने देंगे, क्योंकि अभी कल जो जीएसटी कलेक्शन आया है वो एक बहुत तगड़ा जीएसटी कलेक्शन आया, मतलब इसमें भारत की ग्रोथ छिपी हुई दिख रही है जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी कलेक्शन में भारत की ग्रोथ कैसी दिख रही है, छिपी हुई, ऐसी दिख रही है भारत की ग्रोथ छिपी हुई कि जीएसटी कलेक्शन अगर अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, तो इसमें ऑफिशियली बात है कि भारत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तभी तो इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं ना। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए आज निफ्टी भाग नहीं पाया, हो सकता है कल भागने के चांसेस रहेंगे निफ्टी के पूरे पूरे। ठीक है, तो कल देखना कि मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो अपन कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं पहले निफ्टी के। तो कल के लिए लेवल्स रहेंगे निफ्टी के, अगर गैप अप ओपन होता तो भी, सबसे मैं पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, और निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो ये देख सकते हो निफ्टी का सपोर्ट क्लियर कट दिख रहा है, नीचे साइड में 22,600 का सपोर्ट रहेगा, इसके बाद में सेकंड सपोर्ट ये बनेगा 22,650 के आसपास में, इसके बाद नीचे सपोर्ट रहेगा फिर 650 के बाद में ये रहेगा 440 करीब का। ठीक है, 500 का एक सपोर्ट रहेगा, 480 करीब का। ठीक है, उसके साथ साथ अपन रेजिस्टेंस देखें, अगर रेजिस्टेंस ये बनेगा निफ्टी का कल के लिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो भी, गैप अप जैसे ही ओपन होता है मार्केट 22,700 का रेजिस्टेंस लेगा ऊपर से और ये नीचे आएगा फिर
ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा अगर, तो डाउन साइड की पोजिशन बनाना और डाउन साइड में ट्रेड लेना। और फिर इसके बाद जो सेकंड ऊपर में रेजिस्टेंस जो रहेगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा ये वाला निफ्टी में कल के लिए, कौन सा है ये 22,750। मतलब हर 50 पॉइंट में अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो 700 का रेजिस्टेंस रहेगा पहला, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 22,750 का, ठीक है, निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल। इसके बाद अपन आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लेवल्स देख लेते हैं, कैंडल देख लेते हैं, आज का मार्केट भी देख लेते हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार से दिख रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज मूवमेंट नहीं किया, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट नहीं किया। तो बैंक निफ्टी मूवमेंट करता ना, ये लेवल के नीचे आया है लेकिन यहाँ से घूम गया। बैंक निफ्टी को देखोगे अगर, ये वाला लेवल्स के नीचे आया, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आता है 49,225 के नीचे आता था तो ये डायरेक्ट कहाँ आके रुकता, 49,000 के लेवल पर। लेकिन निफ्टी ने यहाँ से इसको उठा के ले गई ऊपर, 200 के लेवल से इसको उठा ली निफ्टी ने और फिर से ऊपर ले गई, खींच के ले गई, चली गई, इसलिए ये आ नहीं पाया। नहीं तो निफ्टी आज निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी कहा जाए 49,000 के लेवल के दर्शन करा सकती है। और अगर आज नहीं कराई है तो कल भी करा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज बैंक निफ्टी ने दर्शन नहीं कराई 49,000 की तो कल नहीं करा पाएगी करके, कल भी करा सकती है, ठीक है। और देखना अगर 49,000 के लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन करती है बैंक निफ्टी तो फिर ये कहीं नहीं रुकने वाली, फिर ये करीब करीब 500 पॉइंट की रैली रहेगी फिर डाउन साइड में, ठीक है, वो लाइव में मैं बता दूंगा आप लोगों को। रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है ये निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है 49,375 का, ठीक है, 49,375 का रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद में ये रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी को 500 का, 49,500 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचेगी फिर से 50,000 के लेवल पर, ठीक है। इसके साथ साथ अपन मिड कैप भी देख लेते हैं, मिड कैप की मंडे की एक्सपायरी रहती है तो मिड कैप हम देख लेते हैं फ्राइडे के दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि मिड कैप का कहा जाए मिड कैप में क्या है, मिड कैप में क्या हो रहा है कि लॉट भी स्लॉट साइज भी मतलब करीब करीब 50 का कर दिया है, तो थोड़ा सा मिड कैप में इंटरेस्ट जाग रहा है। अब 75 का था तो वो बहुत स्लो भागता था, इसलिए अपन उसमें ट्रेड नहीं करते थे। चलो मिड कैप एकदम बिल्कुल चढ़ती जा रहा इस प्रकार से जा रहा है मिड कैप को, देखो ये डे टाइम फ्रेम की कैंडल है मिड कैप की, आप देख सकते हो डे टाइम फ्रेम में किस प्रकार से मिड कैप भाग रहा है और सिर्फ भागते ही जा रहा है, ठीक है। तो मिड कैप का ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ का, उसके साथ साथ इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा के देखते हैं अगर, अरे रीटेस्ट मार के गया है मिड कैप तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये देखो 15 मिनट में अपन क्या दिख रहा है मिड कैप में, यस 15 मिनट में दिख रहा क्लियर कट 11,150 को, जैसे ही मिड कैप ब्रेकआउट करेगा 11,150 को, जैसे ही मिड कैप ब्रेकआउट करेगा यहाँ से एक नया ट्रेड बनेगा अपना, ये वाला 11,150 को जैसे ब्रेकआउट करेगा मिड कैप अच्छा खासा ट्रेड बनेगा बढ़िया से, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे एक और सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है मिड कैप में, कौन सा बन रहा है सपोर्ट लेवल, अगर कल इसके आसपास में दिखता है या खुलता है तो देख लेना मिड कैप में ये सपोर्ट बन रहा है। इसके बाद में नीचे सपोर्ट बन रहा है एक ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट है मिड कैप का ये, ठीक है, ये बन रहा है 11,105 का, ठीक है, मिड कैप के लिए। ये मिड कैप के लेवल का याद रखना, कल ट्रेड मिड कैप में करेंगे अपन। और आज के लिए इतना काफ़ी है, साथ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।